नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीप सी ऑफ विजडम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MPPSC प्रीलिम्स सिलेबस की सेकंड यूनिट। भारत का इतिहास का टॉपिक है, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, और यदि इस नोट्स का PDF आपको चाहिए हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले समझेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सारांश क्या है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लोगों के हित से संबंधित जन आंदोलन था, जो पूरे देश में फैल गया था। देश भर में कई बड़े और छोटे विद्रोह हुए थे, और कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशों को बल से या अहिंसक उपायों से देश से बाहर करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी और देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ इमेजेस है। यह देखा गया है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष कई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की श्रृंखला का मेल था, जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया। राजनीति की बात करें तो विजय और विस्तार ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण उदाहरण है नियम का कानून। सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, प्रेस और नस्लवादी भेदभाव की नीति की भूमिका। आर्थिक है, अलग अलग नीतियों के तहत ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली आर्थिक नीतियों ने देश में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया। रेलवे की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में किया गया। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। AO ह्यूम ने INC के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, और इनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी वॉल्व प्रदान करना। AO ह्यूम ने INC के पहले महासचिव के तौर पर काम किया। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को राजनीतिक आंदोलन में प्रशिक्षित करना और देश में जनता की राय बनाना था। इसके लिए इन्होंने वार्षिक सत्र पद्धति को अपनाया, जहां वे समस्याओं पर चर्चा करते थे और संकल्प पारित करते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पहला या आरंभिक चरण मध्यम दर्जे नरम दल का चरण 1885 से 1905 भी कहलाता है। नरम दल के नेता थे WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, RC दत्ता, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूर आदि। नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था, और उन्होंने PPP मार्ग यानी विरोध, प्रार्थना और याचिका को अपनाया था। काम के नरमपंथी तरीकों से मोहभंग होने के कारण 1892 के बाद कांग्रेस में चरमपंथ विकसित होने लगा। चरमपंथी नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। PPP मार्ग के बजाय इन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्य और स्वदेशी पर जोर दिया। प्रशासनिक सुविधा के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 की घोषणा के बाद 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार संकल्प पारित किया गया था। अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सत्र। पहला है 1905 बनारस में कांग्रेस सत्र, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की। दूसरा है 1906 कलकत्ता में कांग्रेस सत्र, दादा भाई नेहरोजी ने अध्यक्षता की। तीसरा है 1907 ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का सत्र, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की, जिसमें नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच मतभेदों की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया। आगा खान और मोहसिन मुल्क द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1909 के मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम द्वारा अलग अलग निर्वाचन मंडल प्रस्तुत किया गया था। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर आंदोलन शुरू किया।
और कोटलैंड में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को ने युगांतर आश्रम में था और गदर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। कोमागाटा मारू घटना सितंबर 1914 में हुई थी और इसके लिए भारतीयों ने शोर कमिटी नाम से एक समिति बनाई थी जो यात्रियों की कानूनी लड़ाई लड़ती थी। 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय पूना में था और इसमें स्वराज की मांग की गई थी। कोमागाटा मारू घटना सितंबर 1914 में हुई थी और इसके लिए भारतीयों ने शोर कमेटी नाम से एक समिति बनाई थी जो यात्रियों की कानूनी लड़ाई लड़ती थी। 1914 में पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय पूना में था और इसमें स्वराज की मांग की गई थी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया और इसका मुख्यालय मद्रास के करीब आरडीआर में था। वर्ष 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार नरमपंथी नेता ने की थी, जहां चरमपंथी और नरमपंथी दोनों प्रकार के नेता एकजुट हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट को भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए पारित किया गया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1916 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के विचार के प्रचार के लिए अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918, रोलेट एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919। गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस आंदोलन में छात्र, मध्यम वर्ग, मजदूर और पूंजीपतियों ने हिस्सा लिया और संगठन के तौर पर कांग्रेस कहीं नहीं थी। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने 3 मुद्दों, पंजाब में हुई बेइंसाफी, खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की मांग पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1920 में एनएम जोशी राय चौधरी ने बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की। अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अकाली आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। यह कांग्रेस में दूसरे विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1927 में श्रमिक और किसान पार्टी WPP का गठन SS मिराजकर के एन जुगलेकर और SV घाटे ने बॉम्बे में किया था। वर्ष 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ था। CS आज़ाद, सचिन सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे। वर्ष 1929 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फिरोज शाह कोटला दिल्ली में गठन हुआ। भगत सिंह HSRA में शामिल हुए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती हुई। इस षडयंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षडयंत्र मामले में फांसी की सजा दी गई। 8 नवंबर 1937 को स्टेनली बाल्डविन के तहत ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन बनाया गया था। कमीशन का गठन 1919 के सुधार अधिनियम के बाद देश में सरकार की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए किया गया था। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1928 राष्ट्र का दर्जा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि के लिए जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम 31 मार्च 1929 INC का 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प
कांग्रेस द्वारा पारित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का ट्रायल। 29 मार्च 1931 INC का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का संकल्प पारित किया गया। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हिस्सा लिया। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक या राम से मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा हुई। 26 सितंबर 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम को अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्विध शासन पद्धति होनी चाहिए को बनाने के लिए पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की ओर महत्वपूर्ण कांग्रेस सत्र। पहला है 1936 लखनऊ उत्तर प्रदेश अध्यक्षता JL नेहरू। फिर है 1937 फैजपुर महाराष्ट्र अध्यक्षता JL नेहरू गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। 1938 हरिपुरा गुजरात में SC बोस ने अध्यक्षता की। 1939 त्रिपुरी MP SC बोस ने अध्यक्षता की। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा और भारत की सहमति के बिना उसका सहयोगी घोषित कर दिया गया। 1939 में SB बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह एक वाम पार्टी यानी लेफ्ट पार्टी थी। 10 अगस्त 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन पाने के लिए लॉर्ड लीन लिथगो वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। 11 मार्च 1942 को प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने भारतीयों के संवैधानिक गतिरोध और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए सर स्टाफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भेजने की घोषणा। क्रिप्स मिशन की असफलताओं के साथ 1942 में भारतीय नेताओं द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और भारत छोड़ो का संकल्प गांधी जी ने तैयार किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। SC बोस ने सिंगापुर और रंगुनन के दूसरे मुख्यालय का पदभार संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस के अधीन सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार बनी। इसमें एक महिला रेजिमेंट भी थी जिसका नाम रानी झांसी रखा गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1945 में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वावेल द्वारा वावेल योजना या शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव किया गया था। 1946 में PM क्लीमेंट एटली द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा। राम से मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? अगस्त 1932 को सांप्रदायिक या राम से मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा हुई थी। एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अर्थात INC का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में किया गया था। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर किए करें। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।